हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कूल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 विच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। आज हम फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे, कोट ऑफ द डे। टू चेंज योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर डे। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर डे। कि हम इसमें अपने डे टू डे में एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, बुरी एक्टिविटीज़ करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं टाइम का, या हम क्या करते हैं। तो आपको अपना डे चेंज करना पड़ेगा, उससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्रॉप प्रोडक्शन, फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको हम वेरियस बॉडी के वेरियस फंक्शंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। और ये जो हमारा फूड, ये जो हम फूड गेट करते हैं, हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल्स से। फिर फूड को लार्ज पॉपुलेशन में हमारे प्रोवाइड करने के लिए लार्ज स्केल पे हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है, या फिर फूड को हमें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिससे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जैसे कि 7.8 बिलियन है, हम जानते हैं। तो अगर हमें सबको अगर फूड प्रोवाइड करना है, क्योंकि फूड इज एसेंशियल, तो हमें लार्ज स्केल में उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो हमें क्या चाहिए होगा? रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, और फिर थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विच इज नेसेसरी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स को यूजफुल बनाने के लिए, मैंस के लिए, हम लोगों के लिए, एनिमल्स को यूजफुल बनाने के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करती है साइंस की ये वाली ब्रांच, जिसमें कि इंक्लूड होता है सॉइल कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको फार्म में रखा जाता है, जैसे कि काओ, पेग, शीप एक्सेट्रा। नाउ क्रॉप, जब प्लांट्स को, सेम काइंड ऑफ प्लांट को हम ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं किसी प्लेस पर लार्ज स्केल में, तो उसको ही हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं हमारी, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स। ये क्रॉप मेनली सो की जाती है रेनी सीजन में, विच इज जनरली जून टू सेप्टेम्बर। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइस, कॉर्न, शुगर केन, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड कॉटन। द नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप मेनली विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, इसकी टाइम पीरियड है अक्टूबर टू मार्च, एंड इसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पटेटो, मस्टर्ड, कोरिएंडर, ओट एटसेट्रा। नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए हमें फार्मर्स को कई सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ओवर टाइम टू टाइम। फिर इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को मिला के, या फिर कोई एक टास्क जो इन सब एक्टिविटीज़ का जो टास्क किया जाता है, उसी को ही हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, जिसमें हमारे ये 7 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, नेक्स्ट इज सोइंग, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना,
फिर इरिगेशन करना, उनको प्रोटेक्ट करना, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना वीड्स से, उसको हार्वेस्ट करना, और फिर स्टोरेज इज नेसेसरी। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप इसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था ग्रोइंग क्रॉप का। ये सॉइल को टर्न करती है और लूजन करती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है कि रूट्स डीपली सॉइल में चली जाती हैं, और फिर ये अलाउ करता है, लूजन जब हम सॉइल को करते हैं तो ये अलाउ करता है रूट्स को ब्रीथ करने में, खुलकर वो सांस लेते हैं उस सॉइल में, और फिर ये जो लूजन सॉइल है वो हेल्प करती है इनकी सॉइल में जो प्रेजेंट हैं अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स वो ग्रो हो सकें। और सॉइल में कई तरीके के मिनरल्स, वाटर, एयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी जो डिकम्पोज किए गए हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो उनके वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर उस टॉप लेयर में आ जाते हैं। सॉइल की जो लेयर्स होती हैं तो उसमें जो टॉप लेयर होती है तो वहाँ पर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि कई सारी लेयर्स होती हैं इसमें, तो टॉप लेयर जो होती है उससे कुछ इंचेस तक ही जो प्लांट ग्रोथ है वो सपोर्ट करती है। तो इसीलिए हम टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं, जिससे वो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो टॉप लेयर में आ जाती है, जिससे कि प्लांट्स हैं वो उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाते हैं अच्छे से। इसीलिए हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें लूजनिंग और टर्निंग होती है। द नेक्स्ट इज प्लगिंग। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को ही टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं। ये एक प्लग के द्वारा की जाती है, जैसे कि फोटो में दिया हुआ है, दैट इज प्लग। ये बीम होती है, और ये प्लग शाफ्ट होता है, और ये ब्लेड टाइप होता है जिससे प्लगिंग की जाती है। ये वुड या फिर आयरन का बना हुआ होता है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसमें हमें पहले प्लगिंग से पहले वाटर डालना होता है, वाटरिंग करना ज़रूरी होता है उसको। और फिर ये जो प्लग फील्ड होती है इसमें बड़े बड़े पीसेस होते हैं सॉइल के, जिनको हम क्रम्स भी कहते हैं। प्लग को यूज़ किया जाता है टिलिंग द सॉइल में, या फिर फर्टिलाइजर्स हमें क्रॉप में ऐड करने हैं, रिमूविंग ऑफ वीड्स में, या फिर स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल में भी यूज़ की जाती है। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल मीन्स जैसे कि टॉप लेयर पर अगर कोई अनवांटेड कवरिंग हो रही है तो उसको रिमूव करती है ये। हो ये एक तरीके का टूल होता है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सॉइल को लूजन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें एक लॉन्ग रॉड होती है वुड या फिर आयरन की, और एक तरफ इसके स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड एक बैंड की हुई प्लेट लगी होती है जो कि ब्लेड का वर्क करती है, और फिर इसको हम एनिमल के द्वारा पुल करते हैं। लेकिन आजकल प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि लेबर हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती, और हमारा टाइम भी सेव होता है। तो इसीलिए आजकल कल्टीवेटर्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेपेज इज सोइंग। फार्मर्स सीड्स को प्रेफर करते हैं जो कि हाई यील्ड पावर होती है जिनमें, और ये एक अच्छा मेथड है
जिससे कि डैमेज सीड्स जो होती हैं वो अच्छी सीड्स और हेल्दी सीड्स से सेपरेट हो जाती हैं इसके द्वारा। और इसके लिए हम टूल्स कौन से यूज़ करते हैं? ट्रेडिशनली में जो यूज़ होते थे टूल्स, वो फनल लाइक शेप होती थी, जैसे कि इस फोटो में दिया हुआ है, ये फनल लाइक शेप होती थी। इसको फिर 2 या 3 पाइप्स के द्वारा जोड़ा जाता था और इसके जो एंड है वो बहुत शार्प होते थे। इसको फिर सॉइल के अंदर तक लगाया जाता था, इस फनल लाइक टूल को। फिर क्या करते थे, इसमें सीड्स को ऊपर से डालते थे जिससे कि ये पाइप के थ्रू होकर सीड डायरेक्ट सॉइल में चली जाती थी। तो सोइंग के लिए ये टूल पहले यूज किया जाता था, ट्रेडिशनली यूज किया जाता था, लेकिन आजकल सीड ड्रिल यूज करते हैं। इससे क्या होता है, ये सीड ड्रिल दिया हुआ है, इससे क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो सो होती हैं प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ में। और फिर इसके बाद ये सोइंग करने के बाद ये सॉइल को उसके ऊपर कवर कर देता है, जिससे कि बर्ड्स एटसेट्रा इस सॉइल को, इस क्रॉप को डैमेज ना करें। इसीलिए आजकल सीड ड्रिल यूज किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, सोइंग के लिए। हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसके 2 स्टेप्स पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। तो आज का आपका होमवर्क है फर्स्ट पार्ट का, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे और आपको उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। प्लांट्स को ग्रो या कल्टिवेट किया जाता है लार्ज स्केल पर एक प्लेस पर, तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। अभी आपने पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन इज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। सनलाइट के साथ और क्या क्या असेंशियल होता है सॉइल से ग्रोइंग ऑफ क्रॉप के लिए? तो ये 3 क्वेश्चंस आपको, आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स देने हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं सेकंड चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप आपने एंजॉय किया, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।